हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। देखिए, वाष्प दाब क्या होता है, जैसे किसी पात्र में मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है, जब हम उस द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव की वाष्प बनती है, ठीक है, वेपर बनती है और ये लिक्विड है। जैसे जैसे ऊपर वाष्प बनती जाएगी, ये वाष्प द्रव की सतह के ऊपर एक दबाव उत्पन्न करेगी, एक दाब डालेगी। जब वाष्पन की दर यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्पन की दर हो गई रेट ऑफ इवेपोरेशन, और वापस जब वाष्प संघनित होगी, कंडेंस होगी, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि संघनन की दर, जब दोनों बराबर हो जाती है उस समय इस पात्र में, इस कंटेनर में साम्य स्थापित हो जाता है। और इस साम्य अवस्था पर इस वाष्प के द्वारा जितना दाब डाला जाएगा उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या बनी कि साम्य अवस्था पर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए अगर आप परिभाषा दे रहे हैं, डेफिनेशन। साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। दैट मीन्स प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर ये वाष्प जितना दाब डालेगी उसे हम वाष्प दाब कहेंगे। और इस वाष्प दाब को समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम का उपयोग लिया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है और ये नियम क्या कहता है। ठीक है, राउल्ट के अनुसार ये जो वाष्प दाब है, ठीक है, ये किस तरह से इस द्रव के मोल भिन्न पर निर्भर करता है, तो राउल्ट ने कहा कि स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी द्रव का आंशिक दाब, वाष्प दाब की जगह मैं आंशिक दाब लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, किसी द्रव का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब उस द्रव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी द्रव का जब स्थिर ताप पर जो आंशिक वाष्प दाब है वो उस द्रव के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। इसका मतलब समझना, आंशिक दाब का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसके अंदर दो या तीन कंपोनेंट है, है ना, दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, तो उसमें से किसी एक अवयव द्वारा जितना दाब डाला जाएगा उसे उस अवयव का आंशिक दाब कहेंगे। ये आंशिक दाब जो है वो उस अवयव के मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। यानी राउल्ट के नियम के अनुसार अगर अपन देखें तो इसको यूं लिख सकते हैं, द पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पी एक्स के सीधे समानुपाती होगा, जहां पी जो है वो आंशिक वाष्प दाब है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, मोल भिन्न मतलब एक के मोल अपॉन कुल मोल। यहां पे कंडीशन क्या है दोस्तों, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, ताप कम करोगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसलिए ताप स्थिर रखने पर जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन एक साल छोड़ के एक साल जरूर पूछी जाती है, राउल्ट का नियम लिखिए, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पात्र है और उस पात्र में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ए अवयव है और बी अवयव है। ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ए की वाष्प बनती है और बी अवयव भी वाष्पित होता है, मतलब दोनों ही अवयव वाष्पशील है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, और दोनों ही वाष्पित होकर ऊपर वाष्प बनाते हैं। फिर ये वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न करेगी जिसे हम ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब कहेंगे, क्योंकि दोनों मिक्सचर में है ना। अब अगर यहां पर अकेला ए हो
और ए जितना दाब डालेगा, मान लीजिए खाली ए भरा हुआ है और ए से जो वाष्प बन रही है उसका वाष्प दाब जो आएगा उसे हम कहेंगे ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इसी तरह से मान लीजिए केवल बी भरा हुआ हो और जो अपन वाष्प दाब ज्ञात करेंगे वो सिर्फ बी का वाष्प दाब होगा, तो उसके आगे आंशिक वर्ण नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके आगे अपन क्या लिखेंगे, शुद्ध ए का या शुद्ध बी का वाष्प दाब, क्लियर। लेकिन अभी दोनों मिक्सचर में है तो इसके ऊपर अगर अपन राउल्ट का नियम लगाएं तो ए का आंशिक वाष्प दाब और बी का आंशिक वाष्प दाब इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से, है ना। वी नो दैट राउल्ट का नियम क्या कहेगा भैया, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब ए का आंशिक दाब ए के मोल भिन्न के और बी का आंशिक दाब बी के मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होगा। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। ये पी ए नॉट और पी बी नॉट ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, क्लियर। अब अपन जानते हैं भाई पात्र में कुल दाब कितना होगा, तो ए इतना दाब डाल रहा है, बी अगर इतना दाब डाल रहा है तो पात्र में कुल दाब कितना हुआ, दोनों का योग हुआ। यानी डॉल्टन का अपन आंशिक दाब का नियम भी यूज लें या सीधी बात कहें कि किसी पात्र में कुल दाब किसके बराबर होता है, प्रत्येक घटक के दाब के योग के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर इन दिस कंटेनर, इस पात्र के अंदर कुल दाब, टोटल प्रेशर विच इज पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, करेक्ट। यानी पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो पात्र में कुल दाब होगा पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, क्लियर। ये इस पात्र का कुल दाब हो गया। यहां तक क्लियर है राउल्ट का नियम क्या है, और राउल्ट के नियम से हमने एक इक्वेशन निकाली। अब अपन ये भी जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी यानी कि मोल भिन्नों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। तो अगर अपन इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो कुछ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एज वी नो दैट एक्स ए एंड एक्स बी इक्वल टू वन होता है, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, तो अपन कह सकते हैं कि एक्स ए किसके बराबर होगा, वन माइनस एक्स बी, है ना। एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन में अगर ये वैल्यू अगर अपन उस इक्वेशन में पुट करें पी टोटल में, तो क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह हो गया वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओपन कर दीजिए इस इक्वेशन को तो पी टोटल आ जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। यहां से आप देखिए एक्स बी कॉमन है, क्लियर, एक्स बी यहां से कॉमन आ जाएगा। अगर एक्स बी यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलती है पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी, कॉमन आ गया पीछे अपने पास रह गया, एक्स बी कॉमन आने के बाद पी बी नॉट प्लस में है और पी ए नॉट माइनस में है, दैट मीन्स पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं राउल्ट समीकरण, राउल्ट इक्वेशन, ठीक है। ये समीकरण कहलाती है राउल्ट इक्वेशन, राउल्ट समीकरण, राउल्ट्स इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण आपको एक सरल रेखा समीकरण, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिखेगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब एक सरल रेखा का समीकरण है। कैसे है, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, वाई बराबर एम एक्स, ये हो गया एम और ये हो गया एक्स, एम एक्स और ये हो गया सी, सो प्लस सी, क्लियर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वाई टू एम एक्स प्लस सी। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन से आपको एक बात बताऊं तो आप इस इक्वेशन से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या सेट कर रही है, आपको क्या बोल रही है, इक्वेशन कह रही है कि किसी भी विलयन का कुल कुल दाब जो है, किसी भी विलयन का कुल दाब जो है वो केवल एक सब्सटेंस के, एक पदार्थ के या एक अवयव के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। कुल दाब केवल एक अवयव के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। जैसे यहां पी टी के साथ में एक्स बी आ रहा है, आप चाहे तो इक्वेशन में ये भी रख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए, और अगर एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए रख के पुट करेंगे तो यही समीकरण आपको वापस मिलेगी। लेकिन इस बार यहां हो जाएगा पी बी नॉट प्लस
एक्स है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, है ना। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ये सरल रेखा समीकरण है, कहने का मतलब है अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ खींचूंगा, तो मुझे सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे मैंने ग्राफ बना के रखा है जिसे हम राउल्ड ग्राफ कहते हैं। देखिए ये एक राउल्ड ग्राफ सरल रेखा समीकरण है। एक्चुअल में ये ग्राफ थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है जब पहली बार कोई बंदा पढ़ता है तो, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। ये दो ग्राफ है, ठीक है, उन दोनों ग्राफ को एक साथ मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसका एक ग्राफ बनाया गया है। जैसे ग्राफ खींचा गया है वाष्प दाब और एक्सबी के बीच में, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक पूरा मोल भिन्न है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्सबी इक्वल टू वन है। तो अगर एक्सबी इस तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहां पर एक्सबी जीरो होगा और यहां पर एक्स बी वन होगा, क्योंकि वन के बराबर होता है टोटल मोल फ्रैक्शन। इस तरह से अगर एक्स बी इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्स ए यहां पर पहले एक था, धीरे धीरे एक्स बी बढ़ता गया, एक्स ए कम होता गया और यहां पर आते आते एक्स ए कितना हो गया जीरो और एक्स बी कितना हो गया वन। क्लियर। अगर अपन राउल्ट की इक्वेशन देखे तो राउल्ट कहता है कि भैया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। क्लियर। तो जब एक्स ए इक्वल टू वन होगा देन पी ए इक्वल टू पी ए नॉट हो जाएगा। जब एक्स ए बराबर वन होगा तब अपन कह सकते हैं कि पी ए इक्व टू पी ए नॉट आ जाएगा, यही होगा। तो यहां देखिए एक्स ए वन कहां है, एक्स ए इज इक्व टू वन, ये एक्स ए वन यहां है। तो यहां पर जो इसका दाब आएगा ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पर एक्स ए इक्व टू वन है इस पॉइंट पर, एक्स ए वन आएगा तो यहां पर आंशिक दाब जो है वो हो जाएगा पी ए नॉट के बराबर। पी ए नॉट मतलब ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव। तो ये सरल रेखा अपने को प्राप्त हो रही है, स्ट्रेट लाइन। मैं इस तरफ से ग्राफ बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्स ए के लिए लिया है और एक्स ए इस तरफ बढ़ रहा है ना। तो एक ग्राफ तो ये हो गया, ये जो हो गया वाष्प दाब और एक्स ए के बीच में, और एक ये हो गया वाष्प दाब और एक्स बी के बीच में, फिर दोनों को मिक्स कर दिया तो ये एक टोटल ग्राफ बन गया राउल्ड ग्राफ। क्लियर। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन देखें तो पीबी इक्व टू क्या होता है, एक्स बी नॉट इंटू सॉरी पीबी इक्व टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, और अगर एक्स बी वन होगा तो पीबी बराबर पीबी नॉट हो जाएगा, जो यहां हो रहा है पीबी इक्व टू पीबी नॉट। और ये जो लाइन है ये अपने को शो कर रही है कुल दाब, पी टोटल इक्व टू पी ए प्लस पीबी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, विच इज द करेक्ट राउल्ड ग्राफ फॉर द आइडियल सोल्यूशन, आदर्श विलियनों के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो ये आदर्श विलियन क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए ये ग्राफ मन बनाते हैं, इसको राउल्ड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में खींचा गया वक्र। अब एक और मैं बात बताऊं आपको, जो राउल्ट इक्वेशन पे मोस्टली पूछ जाती है वो है कि ए कितना वाष्प में जाएगा और बी कितना वाष्प में जाएगा। मतलब ये जो वाष्पित होके ए ऊपर आ रहा है, वाष्पित होके बी ऊपर आ रहा है, आप ये भी ज्ञात कर सकते हो कि कितना ए वाष्पित होगा कितना बी वाष्पित होगा, यानी वाष्प में ए और बी के मोल भिन्न क्या होंगे। तो वो अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में मोल भिन्न या मोल अंश, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, वेपर फेज यानी कि वाष्प अवस्था में ए कितना आएगा और बी कितना आएगा, उसको थोड़ा अलग शो करने के लिए एक्स ए और एक्स बी की जगह वाई ए और वाई बी लिखेंगे अपन, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी द्रव में मोल भिन्न है तो वाई ए और वाई बी वाष्प में मोल भिन्न हो जाएंगे ए और बी के। वाई ए अपन कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। और वाई बी कैसे निकालेंगे, पी बी अपॉन पी टोटल, मतलब ए का प्योर ए का आंशिक वाष्प दाब बटा कुल दाब और बी का आंशिक वाष्प दाब बटा कुल दाब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई ए इक्व टू पी ए इक्व टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, एंड वाई बी इक्व टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल, है ना। तो इसको अपन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कितना ए वाष्पित होगा कितना बी वाष्पित होगा, या ए और बी का जो वाष्पित हो रहा है उसका फ्रैक्शन या उसका परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके ऊपर किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। टॉपिक इज क्लियर, राउल्ट का नियम और वाष्प दाब। अब देखिए वाष्प दाब के ऊपर और राउल्ट के नियम पे किस तरह से सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए सवाल मैंने लिखा है, ए 5 ग्राम बी 10 ग्राम, ए का अणुभार है 30 बी का अणुभार है 50, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 5 एटीएम और बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 4 एटीएम। यदि इन ए और बी को मिक्स करने पर मिलाने पर इस ए को और बी को मिलाने पर एक आदर्श विलयन बनता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन
मान लीजिए ए और बी को मिलाने पर एक आदर्श विलयन बनता है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब और ए और बी का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ज्यादातर गलती क्या करते हैं, मोल्स को ही ले लेते हैं और मोल भिन्न तक नहीं पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोल भिन्न तक पहुंचना है, यहाँ पे मोल्स नहीं दे रखे हैं, पहले आप मोल ज्ञात करेंगे फिर मोल भिन्न ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, मोल तक तो निकाल लेते हैं और मोल को ही एक्स मान लेते हैं, एक्स ए और एक्स बी और कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, तो वो रॉन्ग आंसर आएगा उससे, है ना। तो ये ध्यान रखना, पहले अपने को एक्स ए और एक्स बी ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक्स ए है ना, एक्स ए निकालते हैं। तो सबसे पहले एन ए, ए का मोल कितना मोल हुआ, ए का, ए का मोल हो गया, मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार, तो 5/30 यानी कि 1/6 मोल। इसी तरह से मोल्स ऑफ बी, बी का मोल एन बी, एन बी बराबर बी का भार कितना दिया हुआ है 10 ग्राम और बी का अणुभार कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, तो ये हो गया 1/5 मोल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 1/6 और 1/5 को मोल भिन्न मान के कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है ना। अब इन दोनों से अपन मोल अंश ज्ञात करेंगे, यानी कि एक्स से निकालेंगे और एक्स भी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा एक्स से एक्स भी, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन, एक का मोल बटा कुल मोल, तो एक का मोल हो गया 1/6 जैसे ए के लिए, डिवाइड बाय टोटल मोल्स यानी 1/6 प्लस 1/5, ये आ गया आपके पास 1/6 डिवाइड बाय, है ना, टोटल कितना हुआ ये 30 है ना, 30 और 5+6 11/30, ये हो गया 5+6 11/30। इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, 30 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 5/11, क्लियर, 5/11। ये मोल भिन्न है ना, ये मोल फ्रैक्शन, ये अपने को लेना है अब आगे के लिए। इस तरह से बी को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 1- कर लीजिए इसको, सीधा ही आ जाएगा, या इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1, क्योंकि अपन जानते हैं कुल मोल भिन्न 1 होता है। तो अगर आपने एक्स से निकाल लिया तो एक्स भी क्या होगा 1-x, तो इसको 1 में से माइनस कर लीजिए, सीधा हो जाएगा 1-x, एक्स इज 5/11, तो ये सीधा आ गया अपने पास, 11 में से 5 गए तो 6/11। ठीक है, ये आ गया ए का मोल भिन्न 5/11, बी का मोल भिन्न 6/11। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, दोनों का आंशिक वाष्प जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है 5 atm एंड 4 atm, सो ये अपन इसको इक्वेशन जो है ये यूज करेंगे, P टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, या तो ये इक्वेशन यूज कर लीजिए और या फिर आप कंप्लीट इक्वेशन यूज कर लीजिए, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। जैसे मैं करके बताता हूं, देखो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा पी टोटल, राउल्ट इक्वेशन, पी टोटल इक्वल्स टू पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस PA+PB, क्लियर। नाउ P टोटल जो आपको ज्ञात करना है, PA कितना हो गया, PA नॉट, PA नॉट आपको दे रखा है 5 atm इंटू XA, XA अपन ने कैलकुलेट किया है 5/11 प्लस PB नॉट 4 atm और XB अपन ने कैलकुलेट किया है 6/11, क्लियर। इसको अपन ने सॉल्व किया LCM लेके, दैट इज 11, इट इज 25/24 विच इज इक्वल टू 49/11, है ना, दैट इज 49/11 atm। ये आ गया अपने पास कुल दाब, तो विलयन का जो कुल दाब होगा, कुल वाष्प दाब होगा, वो 49/11 के बराबर होगा। आप चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है वाई ए और वाई बी। तो देखो अपन जानते हैं वाई ए क्या होता है, पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है, पी ए कितना हुआ, पी ए हो गया 25/11, ये पूरा पी ए है ना, तो पी ए हो गया 25/11 अपॉन पी टोटल इज 49/11, सॉल्व किया तो ये आ गया 25/49। इतना मोल फ्रैक्शन ए का वाष्प में होगा। ठीक है, ऐसे ही वाई बी आप चाहे तो पूरा आगे सॉल्व कर सकते हैं, वाई बी इज एक्स बी, एक्स बी कितना है, किसके इक्वल है 24/11, सो इट इज 24/11, क्लियर, डिवाइड बाय टोटल इज 49/11 एंड दिस इज इक्वल टू 24/49, क्लियर। तो ए का वाष्प में मोल भिन्न और ये बी का वाष्प में मोल भिन्न अपन ने ज्ञात किया, बात समझ में आई। तो इस तरह से एक राउल्ट के नियम पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो है वो अपने को बना के दिया जा सकता है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछा हुआ है राउल्ट के नियम पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यही लिख देते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन राउल्ट्स लॉ।
मान लीजिए अपने पास दो घटक है, ए है और बी है। ए का मोल है, सीधा मोल दे रहा हूं इस बार, है ना, दो मोल, और बी का मोल है मान लीजिए 3 मोल। जब ए 2 मोल और बी 3 मोल होता है तब पी टोटल जो है वो 5 एटीएम है मान लीजिए, ठीक है। अब यदि बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, यदि बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए यानी 1 मोल और मिला दिया जाए, और मिला दिया जाए, तो कुल दाब 7 एटीएम हो जाता है मान लीजिए। तो कुल दाब 7 एटीएम हो जाता है, 7 एटीएम हो जाता है। ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करो, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ए और बी का जो मैंने आपको डायरेक्ट मोल में दिए हैं वो ग्राम में भी दे सकते हैं, अणुभार दे करके, इसका अणुभार इतना है और 1 ग्राम बढ़ा दिया तो उसको कैसे कर रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहली बात आपको निकालना है पीए नॉट और पीबी नॉट। तो पीए नॉट पीबी नॉट निकालने के लिए पहली इक्वेशन आपके पास क्या बनी, पहली इक्वेशन बन गई अपने पास मोल्स है, ए का 2 मोल, बी का 3 मोल। तो ए का मोल भिन्न कितना हो गया, ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स 5। बी का मोल भिन्न कितना हो गया, एक्स बी 3 मोल डिवाइड बाय 5। अब टोटल दाब कितना हुआ, पी टोटल इज पी ए नॉट, पी ए नॉट आपको ज्ञात करना है। तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, एक्स ए इज 2/5 प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, एक्स बी इज 3/5। इसको इजी कर लीजिए इक्वेशन को, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5, है ना, पी टोटल इज 5 इधर ऑलरेडी 5 है, दैट इज 25। कुल दाब कितना है, 5 एटीएम है ना, तो ये 5 एटीएम होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 इक्वल टू 2 पीए नॉट प्लस 3 पीबी नॉट, दैट इज इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि बी का 1 मोल और बढ़ा दिया, तो देखो 1 मोल और बढ़ाने से मोल भी नहीं बदल जाएगा, है ना, मोल फ्रैक्शन ही चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसका 1 मोल और बढ़ा दिया तो बी हो गया अब 4 मोल, तो जब 1 मोल बढ़ाया गया तब अब एक्स ए कितना होगा, एक्स ए हो जाएगा 2/6, है ना, ये 4 हो गया, तो 2+4 6, 2/6 यानी 1/3, और एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा 4/6, है ना, 4/6 यानी 2/3। अब मोल फ्रैक्शन ये हो गया जब अपन ने 1 मोल बी को और ऐड कर दिया। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसके लिए भी एक इक्वेशन बना ली अपन ने, पी टोटल 7 एटीएम हो जाता है, 7 इक्वल टू पी ए नॉट जो आपको ज्ञात करना है, एक्स ए इज 1/3 प्लस पी बी नॉट जो आपको ज्ञात करना है, एंड इट इज 2/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 2 पी बी नॉट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे अपन, दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये, अब इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे अपन किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। मैं दोनों इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन के नीचे, ताकि यहीं पे आपको पूरा आंसर दिखे इसका। कैसे, पहले के लिए कितना हो गया, 25 इक्वल्स टू 2 पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट, और दूसरे के लिए हो गया 21 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 2 पी बी नॉट, ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सरल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर लो, साइन चेंज मींस माइनस माइनस और प्लस, सॉरी माइनस माइनस और माइनस, तीनों का साइन चेंज हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने से 2p0 2pa0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 4pb0 माइनस 3pb0, इट इज माइनस pb0, 4pb0 माइनस 3pb0 इज माइनस pb0 इक्वल टू, ये हो गया 42, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 42 माइनस 25 कितना हो गया पीछे, दैट इज 15 प्लस 2 17। क्लियर? तो ये आ गया अपने पास 42 25, है ना, 10 35 35 10 17। क्लियर? तो पीबी नॉट इज माइनस 17, सो वी कैन से पीबी नॉट इक्वल्स टू 17 एटीएम। बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा, 17 एटीएम होगा। अब ये 17 एटीएम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए का आंशिक दाब, ए का जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात हो जाएगा। इसको आप चाहे तो इसमें पुट कर लीजिए, चाहे तो इसमें, दोनों में से किसी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको पी ए नॉट भी ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आई?
तो ये था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पे किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आदर्श विलयन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती है, और कौन कौन से आदर्श विलयन होते हैं और कौन कौन से अनादर्श विलयन होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।